तो भाई लोग फाइनली हमारा एनिवर्सरी का इवेंट स्टार्ट होने वाला जिसके अंदर तुम लोगों को यहाँ पर एक चमचमाता हुआ मेजू क्यूब बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को ओपी लेजेंडरी खतरनाक बंडल देखने को मिल जाएगा एंड आप लोगों को ग्लू वॉल की स्किन देखने को मिल जाएगी, इमोट देखने को मिल जाएगी, ढेर सारे आप लोगों को ओपी ओपी रिवॉर्ड देखने को मिलने वाला है हमारे आने वाले अपकमिंग यहाँ पर एनिवर्सरी इवेंट के अंदर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है जी हाँ मेरे भाइयों और बहनों और दादाओं दादियों चाचाओं चाची, फाइनली हमारा एनिवर्सरी का इवेंट आने वाला है जिसके अंदर तुम लोगों को पता के काफी ज्यादा फ्री फ्री का माल देखने को मिलता है। तो कब से स्टार्ट होने वाला, क्या क्या अपन को माल देखने को मिलने वाला है वो तुम्हारा भाई तुमको बताने वाला है, साथ ही साथ बात करने वाले और भी ढेर सारे अपकमिंग इवेंट को लेकर। तो गाइस देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस तरीके से आप लोग को नेक्स्ट इवो वर्ल्ड के अंदर गन का स्किन देखने को मिल सकता है यार, जिसके अंदर पॉसिबल चांसेस है आप लोग को कोबरा MP40 का स्किन देखने को मिल जाएगा, जो कि यार मेरे को काफी ज्यादा मस्त मस्त लगा क्योंकि यार कोबरा MP40 लिटरली काफी ज्यादा लेजेंडरी गन है यार, मैं इसके लिए काफी ज्यादा इंतजार कर रहा हूं। साथ ही साथ आप लोग को AK का स्किन देखने को मिल जाएगा जो कि यार ये भी बहुत ही ज्यादा मस्त लगता है यार। दोनों गन तुम लोग को पता लेजेंड यार, एक लॉन्ग रेंज के लिए और एक भाई शॉर्ट रेंज के लिए यार, दोनों बिस्ट गन यार, मेरे को इन दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक लगता है। यहाँ पर AK-47 और भाई MP40 दोनों गन होना तो भाई एकदम तबाही मचा देती है यार, बंदे लोगों की खोपड़ी खोल के एकदम यार बाबू मुशाई बना देती है यार। तो यार ये दोनों गन का कॉम्बिनेशन मेरे को अच्छा लगता है। गाइस आप लोग बताओ कि यार आप लोगों को लॉन्ग रेंज के लिए और शॉर्ट रेंज के लिए कौन सी अच्छी लगती है? मेरे को तो भाई कोबरा MP40 या फिर कह लो कि MP40 की गन की स्किन बहुत ही ज्यादा मस्त लगती है। तो यार आप लोग बताओ कि आप लोगों को यार ये दोनों कॉम्बो अच्छा लगता है या फिर आप यूज करते हो या फिर कोई और गन यूज करते हो, भाई कमेंट में जाके जरूर बता देना। खैर यार इसकी पॉसिबिलिटी निकल के आ रही कि नेक्स्ट एवोल्यूशन वॉट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से यार मतलब दो गन की स्किन देखने को मिल जाए। अब लेट्स सी यार, अभी तो निकल के आया, जैसा और भी कंफर्म होगा आगे चल के तो तुम्हारा भाई तुमको बता देगा। तो टेंशन मत लो बाबू मुशाई, टेंशन को मारो गोली। इसके बाद बात कर लेते हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट रैपचिक आइटम के बारे में जो कि निकल के आ रहा हमारा न्यू बनी बंडल लिटन को लेकर। तो गाइस आप लोग को पता है बनी बंडल को आए हुए हमारे गेम के अंदर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, अभी तक हमारे गेम के अंदर ये रिटर्न इज देखने को नहीं मिला बाबू मुशाई। तो यार इसकी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई लीग निकल के आ रही है कि आप लोग को चार बनी बंडल वाला कुछ इस तरीके से रिंग इवेंट देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर आप लोग को चारों के चार लेजेंडरी हमारे यहाँ पर जितने भी बनी बंडल है वो सारे देखने को मिल जाएंगे, जो कि यार दिखने में यार ये लिटरली काफी ज्यादा अच्छा लगता है और भाई इसका गेम प्ले भी करते हो ना तो बहुत ही ज्यादा ओपी लगता है। तो यार अगर आप लोग में से काफी सारे लोग मेरे को कमेंट करके पूछे थे कि भाई यहाँ पर बनी बंडल का कोई लीक बता दो, तो गाइस आप लोग को यार नेक्स्ट वीक तक आप लोग को फाइनली 100% कंफर्म बनी बंडल देखने को मिलने वाला है। अभी आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यार, क्योंकि यार इसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। सो यार इसकी यहाँ पर लीक निकल के आ रही कि आप लोग को नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा, तो यार ये आप लोग को फाइनली देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बताओ कि यार आप लोग यहाँ पर बनी बंडल का यहाँ पर वेट कर रहे हो या फिर आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है कि यार ठीक है आ गया तो निकाल लेंगे, नहीं तो भाई कौन ही निकालने वाला क्योंकि इतना पैसा खर्चा करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि यार आप लोग इंटरेस्टेड हो यहाँ पर बनी बंडल को लेकर या फिर आप लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, कमेंट में जाके जरूर बता देना बाबू मुशाई। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले 12 तारीख को न्यू रॉयल के बारे में। तो गाइस आप लोग को यार ये 12 तारीख को रॉयल देखने को मिल जाएगा जो कि XM8 का गन का स्किन होने वाला है, मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था अगर आप लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हो तो। फिर भी मैं आप लोग को बता दूं कि यार ये गन का स्किन इतना कुछ खास नहीं है, आप लोग निकालना चाहो तो ही निकालना वरना भाई किसी काम का नहीं है यार, ये पीछे से पाद वाद भी मारता रहता है एकदम गंदी गंदी, तुमको बदबू भी सुंघाएगा अपनी, तो यार इसीलिए बोल रहा हूं इसको बिल्कुल भी मत निकालना। तो खैर ये आप लोग को 12 तारीख को देखने को मिल जाएगा जो कि रॉयल के अंदर देखने को मिलेगा, तो काफी ज्यादा चांस है कि आप लोग को बहुत ही कम डायमंड में देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं तो यही बोलूंगा कि यार इसके अंदर फोकट में पैसा मत खर्चा करो। एंड गाइस आप लोग को पता है कि यार पैराडॉक्स का इवेंट यहां पर 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो यार 17 तारीख से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग को 18 या फिर 20 तारीख को कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है रिंग इवेंट, जिसके अंदर आप लोग को यार ये यहां पर एक लेजेंडरी बंडल देखने को मिल जाएगा रिंग इवेंट के अंदर, जो कि यार मेरे को स्पेशली काफी ज्यादा मस्त लगता है। तो यार ये कुछ इस तरीके से निकल गया है जिसके अंदर आप लोग को दो बंडल देखने को मिल रहे हैं यार, दोनों थोड़े से अलग अलग है लेकिन भाई मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये अलग है कि सेम बंडल है। खैर आप लोग को यार ये रिंग इवेंट देखने को मिल जाएगा या तो आप लोग को 18 तारीख को देखने को मिलेगा या फिर आप लोग को 100% कंफर्म 20 तारीख को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 17 तारीख से तो इवेंट स्टार्ट हो जाएगा तो भाई आप लोग को उसके अंदर ही यार ये वाला इवेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ही आप लोग को जो नेक्स्ट टॉप अप इवेंट देखने को मिलने वाला हमारा जो कि 19 तारीख को आप लोग को देखने को मिलेगा, तो 19 तारीख को आप लोग को टॉप अप इवेंट के अंदर या कुछ इस तरीके से हाइपर बुक देखने को मिल जाएगी, जो कि हमारा पैराडॉक्स इवेंट का यहाँ पर हाइपर बुक निकल के आया। तो आप लोग को फाइनली 100% कंफर्म है कि 19 तारीख को आप लोग को यार ये कुछ इस तरीके से हाइपर बुक देखने को मिल जाएगी। और ऑलरेडी मैंने आप लोग को हाइपर बुक के सारे रिवॉर्ड के बारे में बता दिया कि क्या क्या आप लोग को माल देखने को मिलेगा, ठीक ठाक हाइपर बुक है और उसके अंदर से अच्छे खासे आप लोग को रिवॉर्ड भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर कोई हाइपर बुक निकालते हो या फिर आप लोग इंटरेस्टेड है तो हाइपर बुक को लेकर, तो गाइस फाइनली आप लोग को 19 तारीख को देखने को मिल जाएगा,
क्योंकि 17 तारीख से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट 19 तारीख को इवेंट हमारा चेंज होने वाला टॉपअप का इवेंट, तो उसी के अंदर ये वाला हाइपर बुक देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आप लोग को ये ढेर सारे माल देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी ज्यादा अच्छे खासे यार, मतलब रिवॉर्ड सारे के सारे लेजेंडरी। तुम लोग को पता है कि हाइपर बुक के अंदर भाई एकदम माल तो आप लोग को खतरनाक ही देखने को मिलते हैं, सारे के सारे रिवॉर्ड एकदम मस्त मस्त देखने को मिलते हैं। तो गाइस आप लोग बताओ कि आप लोग यहाँ पर हाइपर बुक निकालने वाले हो फिर नहीं निकालने वाले, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता देना। बाबू मुशाई, इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि निकल गया रही हमारी एनिवर्सरी इवेंट को लेकर। तो गाइस फाइनली अब आप लोगों को मैं बता देता हूं कि फ्री फायर के अंदर सबसे बड़ा जो इवेंट आने वाला, अभी रमजान इवेंट चला था, अब इसके बाद जो इवेंट आने वाला है वो हमारा एनिवर्सरी का इवेंट होने वाला है। तुम लोग को पता है कि एनिवर्सरी इवेंट के अंदर भाई भर भर के हमको रिवॉर्ड देखने को मिलता है, सारी की सारी चीजें अपन को फ्री में वितरण की जाती है फ्री फायर के द्वारा और हम सारी की सारी चीजें प्रदान करते हैं, मतलब फ्री की चीजें प्रदान करने में मजा ही नेक्स्ट लेवल का होता है। भाई मैं क्या यहां पर प्रदान आदान प्रदान की बातें कर रहा हूं, मतलब शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं। खैर यार कुछ इस तरीके से यहां पर टोकन निकल के आ चुका है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो 7 लिखा हुआ, तो यार ये बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाला है। और कुछ इस तरीके से यहां पर लोडिंग स्क्रीन निकल के आई है या फिर के लोग एक पोस्टर निकल के आए जिसके अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ सेरर एनिवर्सरी इज कमिंग, तो यार गाइस आप लोग को बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर तुम लोग को पता है कि यार यहां पर एक मैजिक क्यू आप लोग को 100% कंफर्म देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग को ना तो होली इवेंट के अंदर मैजिक क्यू देखने को मिला फ्री में और ना ही रमजान इवेंट के अंदर देखने को मिला। क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि आप लोग को पता है कि नेक्स्ट ईयर भी आप लोग को 2023 के अंदर कुछ इस तरीके से इवेंट दिया गया था फ्री फायर के अंदर जिसके अंदर आप लोग को एक मैजिक क्यू बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिला था। तो यहां पर अब साफ साफ आप लोग को पता चल गया होगा कि आप लोग को यहां पर 7th एनिवर्सरी के अंदर 100% कंफर्म एक मैजिक क्यू बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा, जो कि यार ये 100% कंफर्म निकल के आ चुका है बाबू मुशाई। और आप में से काफी सारे लोग यहां पर बहुत ही दिनों से वेट कर रहे थे कि हम लोगों को कब यहां पर एक मस्त वाला ग्लू वॉल का स्किन फ्री में देखने को मिलेगा। तो गाइस अब 100% कंफर्म आप लोग को एनिवर्सरी इवेंट के अंदर यार ये कुछ इस तरीके से ग्लू वॉल का स्किन बिल्कुल ही 100% कंफर्म फ्री में मिलने वाला है। अब की बार जो आने वाला ना भाई आप लोग को 100% कंफर्म देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से निकल के आया और अभी तक बंडल निकल के नहीं आया कि कौन से बंडल देखने को मिलेंगे और कौन से इमोट देखने को मिलेगा। तो लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि इमोट देखने को मिल जाएंगे, बंडल देखने को मिल जाएगी, बैकपैक स्किन देखने को मिल जाएगी, कटाना का स्किन देखने को मिल जाएगा, गाड़ी की स्किन देखने को मिल जाएगी और भी ढेर सारी चीजें देखने को मिलने वाली एनिवर्सरी इवेंट के अंदर। अभी जितना निकल के आया उतना मैंने आप लोग को 100% कंफर्म बता दिया है। एक तो आप लोग को मैजिक क्यू देखने को मिल जाएगा, ग्लोबल की स्किन देखने को मिल जाएगी, अब और भी रिवॉर्ड निकल के आएंगे जो कि यार मेरे को 3 से 4 दिन के अंदर सारे रिवॉर्ड के बारे में पता चल जाएगा कि क्या क्या फ्री में मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि एनिवर्सरी का इवेंट कब से स्टार्ट होगा। तो गाइस आप लोग को एनिवर्सरी का इवेंट हमारा नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा, जो कि 100% कंफर्म है यहां पर हो चुका है कि नेक्स्ट मंथ से एनिवर्सरी का इवेंट स्टार्ट होने वाला है, जो कि अभी थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा और उसके अंदर और भी ढेर सारा माल देखने को मिलने वाला है। मैजिक क्यू सेक्शन के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिलने वाला है, तो वो वीडियो कल के दिन आ जाएगा कि और आप लोग को क्या क्या फ्री में मिलने वाला है। तो इसीलिए बोला बाबू मुझे वीडियो को लाइक कर दो, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा वाला बाय बाय।